बोधशाला में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 5 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर बोधशाला में 988वां सरस्वती जन्मोत्सव बोधशाला में मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर दिन भर बोधशाला में यज्ञ हवन पूजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने के लिए बोधशाला पहुंचते हैं। आइए बताते हैं हम आपको बोधशाला के इतिहास से जुड़े कुछ पहलू। लगभग 500 साल पहले धार में राजा भोज के शासनकाल में बनी भोजशाला अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व रखती है। इतिहासकारों के मुताबिक परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में एक महाविद्यालय के रूप में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। जानकारों के मुताबिक राजा भोज की रियासत के दौरान यहां देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके बाद मुगल काल में महमूद खिलजी ने भोजशाला के भीतर मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया था। जिस तरह अयोध्या की राम जन्मभूमि पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना हक जताते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला भी सदियों से विवादित रही है। बसंत पंचमी के मौके पर ऐतिहासिक भोजशाला में पूजा अर्चना के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। दरअसल यहां साल में सिर्फ एक दिन बसंत पंचमी के मौके पर पूरे दिन हवन पूजन की अनुमति रहती है, बाकी दिन ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि शुक्रवार नहीं होने के चलते इस बार पुलिस को खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। Thank you.
बता दें कि भोजशाला में नमाज और पूजा की व्यवस्था आज़ादी से पहले शुरू हुई थी। 1953 में धार स्टेट दरबार के दीवान नाटकर ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। लगभग 83 साल पहले जारी किए गए इस आदेश के बाद भोजशाला को कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। इसके बाद से ही यहाँ पर पूजा के साथ साथ नमाज भी अदा की जाने लगी। इसके बाद लगभग 6 दशक तक धार में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1989 के बाद भोजशाला विवाद को अयोध्या आंदोलन के बाद हवा मिलने लगी। स्थिति ये हो गई कि दोनों समाज इस पर अपना अपना हक जताने लगे। बीते 2 दशक में कई बार यहाँ पर बसंत पंचमी के समय तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी होने के चलते दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आए और शहर के हालात फसाद की ओर बढ़ते चले गए। 2003, 2006 और 2013 को बसंत पंचमी शुक्रवार को होने के कारण यहां पर जोरदार विवाद भी देखने को मिला था। 2013 में भी पूजा और नमाज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि शहर में पथराव, आगजनी और जमकर तोड़फोड़ भी की गई थी। Thank you.
ऐतिहासिक भोजशाला में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती के आराधकों का मेला भी लगा रहता है। दरअसल यह एक ऐसा स्थान है जहां मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में 988वां सरस्वती जन्मोत्सव भोजशाला में मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर दिन भर भोजशाला में यज्ञ हवन पूजन किया जाएगा। 5 से 8 फरवरी तक मनाए जाने वाले भोज महोत्सव में 6 फरवरी को खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 7 फरवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। 8 फरवरी को नियमित सत्याग्रह पश्चात कन्या पूजन और भोजन के साथ आयोजन का समापन होगा। इस बार 5 फरवरी को बसंत पंचमी है और इस बार हम 988वां भोजोत्सव मनाएंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही है। बसंत पंचमी दिन प्रातः सूर्योदय के साथ ही वहाँ सरस्वती यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद 9 बजे सत्याग्रह होगा, क्योंकि सरस्वती का दिन है तो जो सत्याग्रह चलता है सत्याग्रह होगा। 10:30 बजे उदाजी राव चौराहे से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के परंपरागत मार्ग से होती हुई भोजशाला पहुँचेगी। इसी में हमारे जो अतिथि हैं दिल्ली के विधायक कपिल, हिंदू नेता कपिल मिश्रा, वो इसमें शोभा यात्रा में साथ रहेंगे। शोभा यात्रा भोजशाला परिसर में पहुँचेगी, वहाँ गर्भगृह में महाआरती होगी और आरती के पश्चात बाहर जो सभा स्थल है वहाँ धर्म सभा को संबोधित करेंगे कपिल जी मिश्रा। दिन भर हमारी शोभा यात्रा, दिन भर हमारा दर्शन चलेगा। वेदारम्भ संस्कार की जो परंपरा प्रारंभ की है वह इस बार टोकन रूप में रहेगी। दिन भर यज्ञ चलेगा। शाम को सूर्यास्त के समय पूर्णाहुति के साथ उस दिन का कार्यक्रम हमारा पूर्ण होगा। अगले दिन हमारी मातृशक्ति सम्मेलन जो परंपरागत कार्यक्रम है वो भोजशाला परिसर के अंदर गर्भगृह में ही होगा। उस दिन भी मातृशक्ति हवन पूजन करेगी और महाआरती करेगी और जो उसमें भी अतिथि उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं। शाम को खाटू श्याम जी की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खाटू श्याम जी की आरती 8 से 11 रहने वाली है, क्योंकि कोरोना काल का गाइडलाइन का पालन करते हुए जो रात्रि कर्फ्यू है तो हम उसको समय बांध दिया है 8 से 11। अगले दिन कवि सम्मेलन है, वह भी 8:30 से 11:30 रहने वाला है, जिसका संचालन कवि संदीप शर्मा करने वाले हैं। क्योंकि माँ की आराधना है, माँ का कार्यक्रम है, तो जब भी कोई माँ की आराधना होती है, अनुष्ठान होता है, तो कन्या पूजन के साथ उसकी समाप्ति होती है। तो 4थे दिन मंगलवार के दिन कन्या पूजन और उनका भोजन के साथ ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे समाप्त होगा। कुल मिलाकर भोजशाला में बसंत पंचमी के उत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। इसी के चलते संभागायुक्त और IG ने पुलिस व्यवस्था मुस्तैद करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, धार।